नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जेवीएनसी अभी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीआरबीएल यानी बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ की यूनिट नंबर 3 के, जो कि बेस्ड है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो लेसन को शुरुआत करने से पहले जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। पहला है पावर टू इशू डायरेक्शन, दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तीसरा है नॉमिनेशन, फोर्थ है लोन एंड एडवांस, फिफ्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सिक्स्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, सेवन्थ है इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइंस, एट्थ है रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नाइन्थ है बैंकिंग ओम्बड्समैन और टेंथ है रेगुलेशन टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, हमारा अप्रोच वही रहेगा कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जो बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने टारगेट सीआईबी 2023 का पेड प्रोग्राम लॉन्च किया है एज़ पर न्यू सिलेबस। हम लोग 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं अभी, ईवीएम, बीएफएम, बीआरबीएल, ईवीएफएम और इलेक्टिव पेपर एचआरएम। आपको इन सभी 5ों पेपर का यूनिट वाइज एमसीक्यू, यूनिट वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ वीडियोस दोनों मिलेगा, यूनिट वाइज थ्योरी का पीडीएफ वीडियोस दोनों मिलेगा। कॉस्ट रखा गया है ₹799 पर सब्जेक्ट वीडियोस और पीडीएफ का, और केवल यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ₹299 रखा गया है। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा पावर टू इशू डायरेक्शन। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज़ बैंकिंग रेगुलेशन। तो बैंकिंग रेगुलेशन बेसिकली एक एक्ट है जो कि आरबीआई को ऑथराइज करता है कि वो बैंक को डायरेक्शन दे। किसके सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 21 और सेक्शन 35A। यानी इस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 21 है और सेक्शन नंबर 35A है, इसके अंतर्गत ये एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक को, रिजर्व बैंक को ऑथराइज करता है कि वो डायरेक्शन इशू करे बैंकों को। अब देखिए, यहाँ पे दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है? तो सेक्शन 21 जो है पावर प्रोवाइड करता है टू रेगुलेट एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज, यानी जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो जो एडवांसेस दे रही हैं, लोन दे रही हैं, उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 21। और सेक्शन 35A दोस्तों पावर देता है आरबीआई को कि वो बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करे। तो दोस्तों दोनों में अंतर है। सेक्शन नंबर 21 पावर देता है आरबीआई को कि वो क्या करे, वो एडवांस को रेगुलेट करे, और सेक्शन नंबर 35A पावर देता है आरबीआई को कि वो बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करे। तो एक में है एडवांस को रेगुलेट करना और एक में है बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सेक्शन के नाम से सवाल पूछ लिया जाता है कि सेक्शन नंबर 21 क्या बताता है, तो आप बोलेंगे कि ये बताता है कि कैसे एडवांस को आप रेगुलेट करेंगे, और सेक्शन नंबर 35A बताता है कि कैसे आप बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करेंगे। तो आरबीआई जो है टाइम टू टाइम डायरेक्शन इशू करती है अंडर सेक्शन नंबर 21, और किसके रिगार्डिंग? रेगुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेक्शन 21 चूंकि एडवांस को रेगुलेट कर रही है और एडवांस का ही पार्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेक्शन 21 में आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करती है, या दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन को रेगुलेट करती है जो कि हमारे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड होता है। दोस्तों, यदि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, उस सेक्शन का नाम है 35AA और 35AB, ठीक है? तो सबसे पहले तो 21 और 35A तो पहले से था, एक नया, दो नया सेक्शन आया 35AA और 35AB, जो कि रिजर्व बैंक को एम्पावर करती है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करे बैड लोन केसेस को सेट करने में, यानी जो हमारे ख़राब लोन है उसको सेटल करने में, दोस्तों आरबीआई को डायरेक्टली पावर मिला इस दोनों एक्ट के द्वारा, 35AA और 35AB के द्वारा, कि वो इंटरवीन करे इन सेटिंग बैड लोन केस, जो हमारे पास बैड लोन केसेस हैं उसको सेटल करने के लिए 35AA और 35AB को, दो सेक्शन को लाया गया। तो देखिए, जो जो चीज़ मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया इस पीडीएफ में ताकि आप उसको ध्यान रखें। तो अभी तक हमने 4 सेक्शन देखा, 21, 35A, 35AA, 35AB। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ डायरेक्शन। द डायरेक्शन इशूड बाई रिजर्व बैंक इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 21 एंड 35A आर बाइंडिंग ऑन द बैंक। यानी जो भी डायरेक्शन आरबीआई इशू करेगी सेक्शन 21 और सेक्शन 35A में, वो बैंकों पे बाइंडिंग होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई इशू डायरेक्शन टू बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो अभी आपने कंसेप्ट पर आप बताइए, सेक्शन 21 के अंतर्गत आरबीआई जो है डायरेक्शन इशू करती है बैंकों को किसके रेस्पेक्ट में? पहला लोन एंड एडवांस, दूसरा ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, चौथा कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 21 के अंतर्गत आरबीआई डायरेक्शन इशू करती है बैंकों को इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? लोन एंड एडवांस, राइट? अभी मैंने आपको बताया कि एडवांस को रेगुलेट करती है, ठीक है, जो उसके रिलेटेड मार्जिन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या दूसरा रिस्ट्रिक्शन जैसे मान लीजिए कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सभी को इशू करती है, ये सभी को रेगुलेट करती है आरबीआई सेक्शन 21 के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई कैन रेगुलेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय बैंक अंडर सेक्शन डैश ऑफ डैश। यानी आरबीआई जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को रेगुलेट करती है, उसमें खासकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रेगुलेट करती है जो भी बैंक के द्वारा डिपॉजिट किया जा रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को किस सेक्शन में किया जाता है बताइए, 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 45 बैंकिंग आरबीआई एक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35A। 35A के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया ना बैंकों को रेगुलेट करना, तो आरबीआई बहुत सारे डायरेक्शन देती है पब्लिक इंटरेस्ट में बैंकों को, और इस गाइडलाइन के अंदर गाइडलाइंस ऑन डिपॉजिट, कस्टमर सर्विस, केवाईसी सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नॉन स्टेटरी सर्कुलर ऑफ द रिजर्व बैंक कैन नॉट अफेक्ट लीगल राइट। यानी आरबीआई का जो नॉन स्टेटरी सर्कुलर है वो लीगल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। आरबीआई का जो पावर है डायरेक्शन इशू करने का वो बैंकों के ऊपर है। तो दोस्तों डायरेक्शन आर एस एड्रेस टू बैंक ओनली एंड नॉट टू कस्टमर और द पब्लिक। यानी जो डायरेक्शन आरबीआई इशू करती है वो बैंकों के लिए है, वो कस्टमर के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है। और द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्शन विच आर बाइंडिंग ऑन बैंक हैज़ बीन कंसिडर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इन बीओवाई फाइनेंस लिमिटेड वर्सेज द कस्टडियन। तो दोस्तों ये जो इफेक्ट है कि आरबीआई का डायरेक्शन ने बैंकों ने आरबीआई का डायरेक्शन मैंने बताया ना कि बैंकों के लिए बाइंडिंग होता है, और इसका ये जो वायलेट किया गया है उसका इफेक्ट एक केस है। केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस था बीओवाई फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस कस्टोडियन, ये 1997 का केस था। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सम बैंक, कुछ बैंक ऐसे थे जो कि रेपो ट्रांजेक्शन में इंटर किए थे अगेंस्ट द आरबीआई सर्कुलर। मतलब कुछ देखिए समझिए, ये जो केस था इसमें क्या था कि कुछ बैंक ऐसे थे जो कि रेपो ट्रांजेक्शन में इंटर किए थे बिना आरबीआई के, आरबीआई प्रोहिबिट कर रहे थे लेकिन फिर भी ऐसे ट्रांजेक्शन में इंटर किए थे। तो कोर्ट ने क्या देखा कि बैंक का जो एक्शन है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को वायलेट कर रहा है, और उसने हेल्ड किया कि वायलेशन वुड नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी बट रेंडर द बैंक लायबल टू प्रोसिक्यूशन। यानी जो ये जो वायलेशन बैंकों ने किया है रेपो ट्रांजेक्शन में इंटर करके, तो ये तो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को तो वायलेट कर ही रहा है, और ये वायलेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करता है, इनवैलिडेट नहीं करता है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये लायबल टू प्रोसिक्यूशन डाल देता है। तो ये केस से आपको समझ में आ रहा है कि जो नॉन स्टेटरी सर्कुलर आरबीआई का वो लीगल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। चलिए अब जरा एक, अब दोस्तों ये जो डायरेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा यदि कोई स्टेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, इफ देर इज ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक विद बोरोअर, इफ देर इज ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक विद बोरोअर दैट वायलेट्स द आरबीआई गाइडलाइन। तो यदि मान लीजिए कोई बैंक का बोरोअर के साथ कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो कि आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट करे, ऑप्शन ए द वायलेशन वुड इनवैलिडेट द ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी द बैंक विल बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन बाई आरबीआई, ऑप्शन सी द ट्रांजेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। अभी हमने देखा बीओवाई कस्टोडियन वर्सेज जो हमारा बीओ फाइनेंस वर्सेज जो कस्टोडियन का केस था, उसमें हमने क्या देखा कि ऐसा केस जिसमें बैंक आरबीआई के आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है उसको यदि वॉलेट करेगी तो वो जो बैंक लाइबल होगी प्रोसिक्यूशन के लिए आरबीआई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट। तो ये देखिए क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया था कि आप इस केस स्टडी को समझें या नहीं समझें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई। अभी जो पॉइंट आपको समझाया, देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह पूछा जाता है, आपके बुक से जो वर्डिंग है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा यही प्रयास है कि आपके बुक का जो वर्डिंग है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बुक के एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बुक के थ्योरी को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करना, दीज टू टास्क आई एम डूइंग फॉर यू, सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ कि ये पैराग्राफ से ये सब सवाल बन सकते हैं, और मैं हर एक पैराग्राफ को टच किया हूँ आपके मैकमिलन बुक से। तो क्वेश्चन ये है कि आरबीआई जो डायरेक्शन इशू करती है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट का नेचर क्या है। पहला है इफेक्ट इज ओनली प्रोस्पेक्टिव, दूसरा है इफेक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, तीसरा है डायरेक्शन डो नॉट अफेक्ट लीगल राइट ऑफ बैंक, और चौथा है ऑल द अबव, पांचवा है नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, जो इफेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिव होगा और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो सही है और ऑप्शन बी भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, और ये डायरेक्शन जो है लीगल राइट ऑफ बैंक को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्शन इशू करती है बैंकों को लोन एडवांस में, पहला इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर, तीसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, चौथा इन द इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर गवर्नमेंट पब्लिक एंड बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आरबीआई जो भी डायरेक्शन इशू करती है लोन एडवांस का वो किसके इंटरेस्ट में होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ द इशू ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू। यानी जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का जो इशू होता है आरबीआई के द्वारा
उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो क्रेडिट क्रेडिट को रेगुलेट कर सके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को रेगुलेट कर सके। किसके अकॉर्डिंग? बॉरोवर की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, आरबीआई के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग, या नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का डायरेक्टिव होता है जो कि आरबीआई इशू करती है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे एसेंशियल सेक्टर्स हैं, हमारे अर्थव्यवस्था के जो एसेंशियल सेक्टर हैं, उनको क्रेडिट मिले। राइट, चलिए तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में क्या है दोस्तों, बैंकों को हर एक साल एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है अपने अनक्लेम डिपॉजिट का, और ये आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 26 के अंदर। यानी ये जो अनक्लेम डिपॉजिट पे रिटर्न फाइल होगा वो किसके अंदर, किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 26 के अंदर आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 26 के अंदर बैंकों को हर एक साल एक रिटर्न फाइल करना होता है, और ये रिटर्न जो है 30 डेज़ के अंदर फाइल करना होता है। जो हमारा ईच कैलेंडर, हर एक कैलेंडर ईयर जो होता है उसका 30 दिन, ठीक है, जब कैलेंडर ईयर ख़त्म होता है, जैसे जैसे मान लीजिए दिसंबर, 30 दिन से पहले, विद इन 30 डेज़ ऑफ एंड, जिस दिन एंड खंड हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर ख़त्म हो रहा है, तो उसके 30 दिन के अंदर जो है 1 से लेकर 30 दिसंबर तक जमा करना है। क्या जमा करना है? अनक्लेम डिपॉजिट। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो फॉर्म है और ये जो मैनर है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इसके अंदर सारा डिपॉजिट कवर होगा जो कि आपने 10 साल तक ऑपरेट नहीं किया है, ठीक है। जिस जो जो अनक्लेम डिपॉजिट है, मतलब कुछ ऐसे डिपॉजिट होंगे ना जो कि कस्टमर ने लेने नहीं आया, 10 साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, उसे कहते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है बैंकों को। यदि फिक्स डिपॉजिट का केस है तो जो 10 साल का पीरियड है वो स्टार्ट होता है एक्सपायरी और पीरियड ऑफ डिपॉजिट। यानी मान लीजिए आपके किसी कस्टमर ने 5 साल का टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो मान लीजिए दो हज़ार ईस्वी में स्टार्ट किया, 2005 में उसका 5 साल पूर गया, लेकिन 2005 से अगले 10 साल तक वो पैसा निकालने नहीं आया, ठीक है, यानी 2015 तक। तो 2015 में उसका आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अनक्लेम डिपॉजिट का आरबीआई को। कब फाइल करना है? तो जो कैलेंडर ईयर का जो अंतिम महीना है, कौन सा महीना है कैलेंडर ईयर का अंतिम है? दिसंबर महीना। तो 1 से 30 दिसंबर के बीच में आपको उसका रिटर्न फाइल करना होगा। चीज़ें समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको मैं इसी तरह समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं कवर कर रहा हूँ, अननेसेसरी जो चीज़ जिससे सवाल बनता नहीं है वो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको सीआईबी में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ना है, तो मैं आपका काम आसान करने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आगे देखिए, जो एलिजिबल अमाउंट है, जो भी एलिजिबल अमाउंट है उसको डीफ अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और जो भी डीफ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा किसी डिपॉजिट अकाउंट में जो कि बैंक के साथ मेंटेन्ड है, जिसको आपने 10 साल तक ऑपरेट नहीं किया है, या कोई भी अमाउंट जो कि अनक्लेम्ड है 10 साल के। इसके अंदर दोस्तों सेविंग बैंक डिपॉजिट आ सकता है, फिक्स डिपॉजिट आ सकता है, टर्म डिपॉजिट आ सकता है, कुमुलेटिव आरडी आ सकता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट आ सकता है, या अदर डिपॉजिट अकाउंट आ सकता है, या कैश क्रेडिट अकाउंट आ सकता है, ठीक है। ये सभी कहाँ जमा हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं हमारे डीफ अकाउंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न विद आरबीआई रिलेटिंग टू। यानी ये जो सेक्शन 26 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, इसमें बैंकों को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरबीआई के साथ, किसके रिगार्डिंग? अनक्लेम डिपॉजिट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एडवांस, एडवांस टू सेंसिटिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पोजिशन ऑफ हाई वैल्यू बैड लोन्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बैंकों को रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरबीआई से, किसके रिगार्डिंग होता है? वो अनक्लेम डिपॉजिट के रिगार्डिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट, ये आपके अनक्लेम डिपॉजिट के रिगार्डिंग ये होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने देखा है अभी, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। आरबीआई को ऑथराइज किया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट कर सकती है, ऑब्वियसली ये सेक्शन 21 के साथ ही होगा। तो इसके अंदर वो लोन का इंटरेस्ट रेट, एडवांस का इंटरेस्ट रेट या डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट, तीनों को रेगुलेट कर सकती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे होता है और लोन पे होता है वो आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया है, राइट। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ डिपॉजिट एंड लोन हैव बीन डीरेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की बात करते हैं, तो आरबीआई जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट परमिट कर सकती है कुछ सर्टन कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिटर के केस में। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉर्मर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उस केस में दोस्तों डिपॉजिट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट परमिट कर सकती है। या मान लीजिए कुछ डिपॉजिटर हैं, कुछ जैसे कोऑपरेटिव बैंक के हैं, तो वहाँ भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई परमिट कर सकती है। ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट रेजीम था वो बैंकों को फ्रीडम दिया कि वो अपना रेट खुद से डिसाइड करें। यानी जो उदारीकरण था दोस्तों इंटरेस्ट रेट का, उससे बैंक खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रेट जो है उनके लिए सुटेबल है।
तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के पार्ट में और जो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हुआ, तो एट प्रेजेंट अभी में दोस्तों जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं, वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको अलाउ किया गया कि आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट में ऑन द बेसिस ऑफ टेनर एंड क्वांटम। मतलब टर्म डिपॉजिट का टेनर कितना है, कितने समय के लिए आप टर्म डिपॉजिट को ओपन करवा रहे हैं और आपका पैसा कितना लगा रहे हैं, उस बेसिस पे आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सिंगल टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 2 करोड़ एंड अबव। चलिए अब देखिए RRB के लिए क्या है कि ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट ऑफर कर सकते हैं 15 लाख एंड अबव के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ ये सवाल पूछा जाएगा कि SSCB यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितने पैसा के ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा 2 करोड़, जो टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ से ऊपर हो वहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकती है। और RRB के लिए क्या है, 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर जो होगा पैसा उसको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की, SCC बेसिकली बताता ये है कि वो क्रेडिट का क्वांटम कितना होगा जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं और जिस रेट पे क्रेडिट को एक्सटेंड किया जाता है बैंकों के द्वारा जब वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अगेंस्ट फाइनेंस कर रही होती है। जैसे मान लीजिए बैंक फाइनेंस कर रही है फॉर फूड ग्रेन, पल्सेस, एडिबल ऑयल, शुगर, जैगरी, कॉटन, टेक्सटाइल, तो ये सब ऐसे चीज़ें दोस्तों जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, बहुत ही ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं। तो SCC यानी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपको बताती है कि कितना क्वांटम ऑफ क्रेडिट जो है इन सभी को एक्सटेंड किया जा सकता है और किस रेट पे किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा दोस्तों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल विच स्टिपुलेट द क्वांटम ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी एक्सटेंडेड एंड ऑल्सो द रेट एट विच क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड। दोस्तों बताती है कितना क्वांटम दिया जाए और किस रेट पे दिया जाए, किस चीज़ के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। तो ये सभी मेजर्स लिया जाता है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है इनका प्राइस जो है सर्टेन सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी बढ़ाए नहीं। अब कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं कि इन सभी एसेंशियल कम्युनिटीज़ का के प्राइसेस को बहुत बढ़ा देते हैं, राइट, तो उसको नहीं बढ़ाएं, इसीलिए ये सब मेजर लिया जाता है। तो आपसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ इशू ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाई RBI इज़ टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को जो इशू किया जाता है RBI के द्वारा, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आप जो है क्रेडिट को रेगुलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंगली, बॉरोअर के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, RBI के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, रिस्क इन्वॉल्व इन लोन ट्रांजेक्शन एंड डी नॉन नेशनल प्रायोरिटी। तो मेन है नेशनल प्रायोरिटी, राइट, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि इसका दाम नहीं बढ़े। कुछ बिजनेस पर्सन जो है अननेसेसरी दाम बढ़ा देते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो नहीं हो। तो ये है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर नॉट यूज बाय RBI अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डायरेक्टिव। यानी दोस्तों किस तरह के टूल्स RBI यूज़ नहीं करती है इस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डायरेक्टिव के अंदर। दोस्तों जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला, मिनिमम मार्जिन फॉर लैंडिंग। दूसरा, सीलिंग ऑन लेवल ऑफ क्रेडिट। तीसरा, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सेलेक्ट कमोडिटीज। चौथा, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी टूल्स यूज किए जाते हैं, राइट, मिनिमम मार्जिन फॉर लैंडिंग, सीलिंग ऑन लेवल ऑफ क्रेडिट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सेलेक्ट कमोडिटीज, ऑल दिस टूल्स आर यूज। दोस्तों ये जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करेंगे, जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास 3 मंथ्स है तो आपके पास ये जब आपके लास्ट मोमेंट आएंगे तो आपको ऐसे नोट्स चाहिए होंगे जिसमें आपको क्विकली चीज़ों को पढ़ें, MCQ सॉल्व करें, तब आपको ये काम आएगा इस तरह का नोट्स, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसा नोट्स बनाएं, ठीक है, खुद से प्रिपेयर करें, सो दैट इट विल हेल्प यू इन द लास्ट मोमेंट फॉर रिविजन। अभी तो ठीक है, अभी तो आप समझ जाएंगे सब चीज़, लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको लास्ट मोमेंट पर अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपके नोट्स प्रिपेयर होनी चाहिए, सो दैन इट विल बी हेल्पफुल। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूसोरियस लोन एक्ट की। तो यूसोरियस लोन एक्ट दोस्तों 1918 में पास हुआ था। ये प्रोहिबिट करता है लैंडिंग एट एग्जॉर्बिटेंट रेट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कुछ बैंक ऐसी होती हैं जो हाई रेट पे लोन देती हैं, लैंड करती हैं। तो ये जो एक्ट है ना, ये यूसोरियस लोन एक्ट, ये ऐसे एक्ट ऐसे प्रोहिबिट करता है। इस लॉ को इनिशियली बनाया गया था जो हमारे वीकर बॉरोअर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पावरफुल मनी लैंडर से, यानी जो हमारे कमज़ोर बॉरोअर हैं उनको पावरफुल मनी लैंडर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। सेक्शन 21A को इंसर्ट किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंकिंग कंपनी चार्ज कर रही है वो क्या हो, कोर्ट के स्क्रूटनी के बियॉन्ड हो, राइट। तो देखिए एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 21A, किसके द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी चार्ज कर रही है दैट शुड बी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट लैंडिंग एट वेरी हाई और एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट
एंड इम्पावर री ओपनिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है कि आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड करेंगे और वो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रीओपन कर सकते हैं। यूसोरियस लोन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूसोरियस लोन एक्ट है उसका प्रोविजन है कि लोन को आप एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते, और यदि लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोर्ट वहाँ पे इंटरवीन करेगा, समझ रहे हैं। तो कोर्ट को पावर दी गई है कि यदि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन दे रहे हैं तो कोर्ट कैन इंटरवीन। नेक्स्ट आती है प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट रेट। तो सेक्शन 21A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड करती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग कंपनी और उसके डेटर के बीच में यदि होगा तो वो कैन नॉट बी रीओपन बाय एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिव, यानी उसे आप वो कोई कोर्ट रीओपन नहीं कर सकती इस ग्राउंड पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिव है। ये प्रोविजन एक इस प्रोविजन को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है ओवर द प्रोविजन ऑफ यूसोरियस लोन एक्ट। यानी दोस्तों यूसोरियस लोन एक्ट क्या करता है कि कोर्ट इंटरवीन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप उस पार्टिकुलर केस को रीओपन नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। तो इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर यूसोरियस लोन एक्ट या कोई भी ऐसा लॉ जो कि रिलेटेड इनडेफिनिटनेस इन द फोर्स इन एनी स्टेट। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट व्हेन द रिजर्व बैंक फिक्सेस बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट वुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट रेट। आरबीआई दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट को क्या करती है, फिक्स करती है, तो कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यदि बैंक जो रेट चार्ज कर रही है वो वायलेशन में है, ठीक है, तब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, वायलेशन में नहीं है तब इंटरफेयर नहीं करेगा। यदि वायलेशन में है मतलब आरबीआई ने फिक्स मिनिमम और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब किया लेकिन बैंक उससे भी ज़्यादा रेट पे लोन दे रही है, तो फिर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो आपसे आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स दैट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ बैंकिंग कंपनी एंड इट्स बोरोअर कैन नॉट बी रीओपन बाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सेसिव। इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है आपके बैंकिंग कंपनी और बोरोअर के बीच में वो कोर्ट रीओपन नहीं कर सकती है इस ग्राउंड पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सेसिव है। ऑप्शन ए सेक्शन 12 यूसोरियस लोन एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 46 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 21 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन डी सेक्शन 21 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि सेक्शन 21 तो था आपका किसके रिगार्डिंग, वो तो था आप जो लोन दे रहे हैं एडवांस दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सेक्शन 21A इसलिए लाया गया कि कोई भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग कंपनी और बोरोअर के बीच में हो वो कोर्ट रीओपन नहीं कर सके इस ग्राउंड पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिव है। इसमें आरबीआई का जो रूल है मिनिमम और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट उसके अकॉर्डिंगली बैंक को अवॉइड करना पड़ेगा, और यदि बैंक अवॉइड नहीं कर रही है तब कोर्ट आ सकता है, ये पॉइंट है। चलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को क्यों क्रिएट किया जाता है, जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि भारत के अंदर हैं उनको एक रिजर्व फंड क्रिएट करना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आउट ऑफ द प्रॉफिट एज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर अंडर सेक्शन 29। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 29 ये कहता है कि जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनको अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेक्शन 17 ये बताता है कि जो भी प्रॉफिट आपको आ रहा है उसमें से कुछ पैसा आपको रिजर्व फंड में रखना है। समझ में आया दोस्तों। चलिए हर एक साल एक सम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 20% ऑफ सच प्रॉफिट, यानी दोस्तों उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक मान लीजिए कोई बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 करोड़ मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का 20% यानी कि 20 करोड़ का सम जो है कम से कम 20 करोड़ जो है इस रिजर्व फंड में आना चाहिए, यानी उनका जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना उसका 20% जो है उनके रिजर्व फंड में आना चाहिए। और ये जो प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा वो बिफोर को आप डिविडेंड डिक्लेयर करें आपको ये बनाना है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको ये प्रॉफिट रिजर्व फंड में डालना है। डिविडेंड यानी लाभांश। ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसमें फॉरेन बैंक नहीं आते हैं जो भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ रिजर्व फंड। अब देखिए 31 मार्च के बाद पहले था 20%, ठीक है ना, अब कर दिया गया उसे 31%, ठीक है, अप्रोप्रिएशन से पहले, अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग आगे देखेंगे अप्रोप्रिएशन क्या जाता है दोस्तों। तो बिफोर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन से पहले उनको 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा चलेगा लेकिन 25% से कम नहीं चलेगा, अपने नेट प्रॉफिट का 25% से ज़्यादा उन्हें रिजर्व फंड में क्या करना है, जमा करना है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट टू देयर रिजर्व फंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन है, कितना परसेंट करना पड़ता है, 25% 20% पहले था दोस्तों 20%, ठीक है, अब हो गया है 25%। तो दोस्तों इसको क्लियर कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25%, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं दोस्तों। मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको क्विक रिवीजन सेशन देता हूँ क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, हमने आज क्या क्या पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं।
चलिए तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने भी एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट तक देखा। मैंने आपको बताया कि दो सेक्शन है, सेक्शन 21 सेक्शन 35 है। सेक्शन 21 आरबीआई को पावर देता है एडवांस के रिगार्डिंग, सेक्शन 35 है पावर देता है बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर दो सेक्शन आया सेक्शन 35AA और 35AB, ये बी आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो बैंड लोन के केस को सेटल करे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको नेचर ऑफ डायरेक्शन बताया कि ये जो भी 21 और 35A में आरबीआई इशू करेगी डायरेक्शन वो बैंकों पे बाइंडिंग होगा। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक केस बताया जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था BOI फाइनेंस वर्सेस कस्टडियन, इसमें आरबीआई का जो पावर है डायरेक्शन इशू करने का ये इसको सिद्ध किया गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट। तो सेक्शन 26 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कहता है कि बैंकों को एक रिटर्न फाइल करना है कैलेंडर ईयर के अंतिम महीना के 1 से लेकर 30 दिन में, ठीक है, वैसे अकाउंट का जिसमें कोई पैसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है पिछले दस साल में। इसके अंदर दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, कुमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, ये सभी आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट का रेगुलेशन सेक्शन 21 में ही आता है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट अभी के समय में शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अलाउ किया जाता है कि वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करें फॉर 2 करोड़ एंड अबव, 2 करोड़ से ऊपर का यदि टर्म डिपॉजिट हो तो वहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं। और आरआरबीज के लिए दोस्तों ये 15 लाख एंड ऊपर के लिए। SEC के बारे में आपको बताया कि ये वो लोन होते हैं जो कि एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट दिए जाते हैं, और आरबीआई मेजर लेती है कि इनका प्राइस जो है एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं बढ़े, ठीक है। जो कुछ बिजनेस पर्सन ऐसे करते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका प्राइस बहुत बढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यूसोरियस लोन एक्ट के बारे में बताया कि मतलब आप हाई रेट पे लोन नहीं दिए, उसको उस एक्ट के लिए लाया गया सेक्शन 21 ही लाया गया ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंकिंग कंपनी चार्ज कर रही है वो कोर्ट के स्क्रूटनी के बियॉन्ड हो, ठीक है। सेक्शन 21 के बारे में बताया ना आपको कि यहाँ पे कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना है, ठीक है, तो ये सेक्शन 21A है। फिर दोस्तों रिजर्व फंड को का क्रिएशन सेक्शन 17(1) ऑफ BR एक्ट, इसके अंदर रिजर्व फंड को क्रिएट किया जाएगा और कितना फंड ट्रांसफर होगा 25%, यानी बैंकों को अपने एनुअल प्रॉफिट का 25% फंड जो है इस रिजर्व फंड में जमा करना है जो भी उसका एनुअल प्रॉफिट है। तो ये था हमारा आज के लेसन का समरी। अगले लेक्चर हम लोग पेड मेंबर के लिए रखेंगे। आपको यदि आप भी इस तरह के यदि प्लान में प्रिपेयर से लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आई विल प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ PDF वेयर कंसेप्ट एंड MCQs हैज बीन डिस्कस्ड टुगेदर एंड सच टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।